दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप लोग कूर्ग में बाइक रेंट कहाँ और कैसे ले सकते हैं। कूर्ग की सारी टूरिस्ट प्लेसेस बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि सेंट्रल पार्ट है, आप उसमें ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। इसके सेकेंड पार्ट जो कि लेफ्ट साइड में है, आप ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। इसके टॉप साइड का पार्ट जो कि मंडल पट्टी पे के, आप ये टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हैं। और इसके फोर्थ पार्ट में आप ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर सकते हैं। और ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस आप लोग टू व्हीलर में आराम से कवर कर सकते हैं, क्योंकि कूर्ग की रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, एक्सेप्ट मंडल पट्टी पिक जिसका रास्ता थोड़ा खतरनाक है। और बाइक रेंट पे लेने के लिए आपको कूर्ग बस स्टैंड के पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें कूर्ग जूम बाइक की रेटिंग काफ़ी अच्छी है, आप इनकी वेबसाइट में जाके अपनी पसंदीदा गाड़ी चुन सकते हैं। दोस्तों हम लोग कूर्ग रेनी सीजन में गए थे और इसी कारण से हम लोगों ने बाइक रेंट नहीं ली थी, क्योंकि कूर्ग में जब हर थोड़ी देर में बारिश या ड्रिजलिंग हो रही थी। लेकिन वहाँ के टूरिस्ट प्लेस कवर करते समय हम लोगों ने वहाँ के रास्ते देखे थे जो काफ़ी अच्छे थे। मैंने कूर्ग की टूरिस्ट प्लेसेस का अलग से एक ब्लॉग भी बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वो लोग गाड़ी नहीं देते रेंट पे, और गाड़ी लेते समय आप उसके हेडलाइट एंड ब्रेक ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो यूजफुल दिखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।